राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजी का ढाबा में। आज मैं दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एकदम फास्ट फूड। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि दादाजी आप फास्ट फूड भी डालिए, तो वैसे तो हम बहुत डाल रखे हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे पनीर मोमोस, वो भी गाय के दूध से और बिल्कुल कम मसालों से और बहुत जल्दी बनने वाला। और भी दूसरी बात कि दूध से हम पनीर बना के तब बनाएंगे मोमोस। तो चलिए दूध का ऑर्डर हम दे के आते हैं और हम शाम को बनाएंगे पनीर मोमोस। और हमारे पास मोमोस बनाने का बर्तन भी नहीं है, फिर भी आपको हम जुगाड़ करके बर्तन भी बताएंगे जो आप अपने घर में भी इस तरीके से बना सकते हैं। पनीर बनाने के लिए हम तसली को पोत लेते हैं। पनीर बनाने के लिए हम चूल्हा जला देते हैं। चूल्हा जला दिए। देखिए हम गाय का दूध दिए हैं 2 लीटर, इसको इस पर बैठा देते हैं। सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। दूध को हम एक उबाल आने तक उबालेंगे। अभी दूध हम बैठाए हैं और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें साड़ी या छाली ना जमे। इसको हम बराबर चलाते रहें, आँच धीरे रखेंगे। देखिए दोस्तों दूध में हमारा उबाल आ गया है, तो हम आँच अब बंद कर देंगे, आँच निकाल देंगे अब। और आप चाहें तो इसमें नींबू डाल के या विनेगर डाल के कुछ भी डाल के इसको फाड़ सकते हैं। ये देखिए हम विनेगर दिए हैं, लेकिन अभी नहीं डालेंगे इसको, थोड़ा सा हल्का सा आँच अभी हम बंद किए हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो 2-3 मिनट हो गया है हमें चूल्हा को बंद किए हुए और हमने चूल्हा पर ही रखा है अपना तसली, और यहीं पे हम थोड़ा थोड़ा विनेगर डालेंगे। एक ढक्कन अभी दिए हैं हम, इसको चलाएंगे, एक ही दिशा में चलाएं, इससे पनीर बढ़िया फटता है। फिर इसको डाल देंगे। जब भी पनीर आपका फटने लगे तब आप डालना छोड़ दें। तो आप देख रहे होंगे इसमें दाना आ रहा है हल्का हल्का, इसका मतलब कि हमारा पनीर फटना शुरू हो गया है। तो इसमें लास्ट बार ये डालेंगे विनेगर। ये 2 ढक्कन हमने इसमें विनेगर डाला है, अब इसको हम छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा दूध फट गया है। अगर आपका दूध नहीं फटता है तो थोड़ा सा और विनेगर डाल के, जैसे कि हमने 2 चम्मच इसमें 2 ढक्कन इसमें हमने विनेगर डाला था पहले, और फिर उसके बाद से हमने 1 ढक्कन और डाला है। अगर ज़रूरत पड़े तो और भी आप इसमें विनेगर डालें ताकि ये बिल्कुल बढ़िया से पनीर फट जाए। और उसके बाद थोड़ा सा चूल्हा जला दें विनेगर डालने के बाद। ये देखिए इधर हमें कढ़ाई दिए हैं, कढ़ाई में एक छन्नी दिए हैं और छन्नी पे पनीर छानने वाला कपड़ा दे दिए हैं, और यहीं पे हम दूध को फाड़ रखे हैं वही डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा दूध फट चुका है, अब पनीर बन चुका है। तो अब इसको हम छानेंगे। इसको भी ये गर्म है बहुत ज़्यादा, और इस पर हमने डाल रखा है विनेगर, तो ये खट्टा भी होगा। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। देखिए चूल्हे में से थोड़ा सा ये तसली का राख लग गया है यहाँ पे हल्का सा। अब इसमें हम पानी डालेंगे बढ़िया से इसमें, और इसको हम धो लेंगे। ये देखिए इस तरह से कि खट्टापन इसका ख़त्म हो जाए, तो 2-3 पानी इसको हम धो लेंगे। अब इसको हम छान देते हैं। अगर आपको हार्ड पनीर बनाना है तो आप पानी में ही छोड़ दें, अगर सॉफ्ट पनीर बनाना है तो फटाफट छान ले, इससे सॉफ्ट पनीर बन जाता है। और इस तरह से हम सारा पानी निचोड़ देंगे इस तरह से, देखिए। या तो आप इसको बांध के इस तरह से और इसको लटका दे कहीं, अपने आप सारा पानी निकल जाएगा। इस तरह से लटकाने पर ही पानी निकल जाता है, और नहीं तो इस पर कोई भारी बर्तन ऐसे रख देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से फट्टे पर रख के, और कोई भारी बर्तन रख देंगे तो भी पानी निकल जाएगा। तो जल्दी निकालने का ये तरीका है कि आप इस पे भारी बर्तन कोई रख दें। तो देखिए पनीर हमारा तैयार हो गया है बनके। अब हम पनीर मोमोस की जो फिलिंग तैयार कर देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, यहीं पे हम 1 बड़ा टेबल स्पून रिफाइन ऑयल डालेंगे। यहीं पे हम 4 छोटी छोटी हरी मिर्च काट के डाल देते हैं।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड हम भूनेंगे बस। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 6-7 कलियाँ लहसुन का बारीक बारीक कटा हुआ, आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं। यहीं पे हम डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का है, इसको भी हमने कद्दूकस कर दिया है। यहीं पे हम 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक काट दिए उसको डाल देते हैं और इसे भी हम 2-3 मिनट भूनेंगे। प्याज को भी हम 3-4 मिनट भून दिए हैं और प्याज भी बहुत ठीक ठाक भून गया है, हमें ज़्यादा बहुत हद तक नहीं भूनना है। और यहीं पे देखिए जो हम पनीर बनाए थे तो इसको हम जमाए नहीं हैं क्योंकि हमें इसको क्रश करके फिर इसी में डालना ही होगा, तो हम पनीर यहाँ पर डाल देते हैं। यहीं पे हम एक पैकेट मैगी मसाला डाल देते हैं, इससे टेस्ट और भी पनीर की फिलिंग का बढ़ जाएगा। 3-4 मिनट और हम भून देंगे क्योंकि पनीर में बढ़िया सा पानी नहीं निकला था। अभी हमें पनीर बनाए मुश्किल से 5 मिनट हुआ है, अब इसको हम भून लेते हैं। आँच धीरे रखेंगे। इस तरह से आप पनीर के दाने को तोड़ते रहें और इसको चलाते रहें, आँच धीरे रखें और ये 3-4 मिनट में हमारा फिलिंग बन के हो जाएगा तैयार। और जिसमें जो पानी भी है आप आवाज़ सुन रहे होंगे, छन छन कर रहा है, ये इसका मतलब कि जो पनीर में पानी है वो जल रहा है। और जब पनीर का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो बढ़िया लगने लगेगा। अगर आपके पास पनीर कम है तो आप इसके फिलिंग में थोड़ा और प्याज बढ़ा सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा मोमोस की फिलिंग हो गई है तैयार, तो इसको हम ठंडा कर देते हैं और इसको ठंडा होने में 10-15 मिनट लगेगा। इससे पहले हम मोमोस के लिए मैदा गूंद देते हैं। ये हम 250 ग्राम मैदा लिए हैं और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 250 ग्राम मैदा लिए हैं और इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको मिला देंगे। नमक को चारों तरफ से मिलाने के बाद हम इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसका हमें ज़्यादा लूज भी डो नहीं तैयार करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो देखिए हम मैदा को गूंद दिए हैं, अब ये सूखे नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा हाथों पे रिफाइनर लगाएंगे इस तरह से और इसको चारों तरफ हम लगा लेंगे इस तरह से ऐसे, और एक बार थोड़ा सा गूंद लेंगे इसको और इसको हम रख देंगे रेस्ट पे कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी आप रख सकते हैं। मैदा हम गूंद दिए हैं, जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है, जब तक हम चटनी बना देते हैं, तो 2 टमाटर दिए हैं, 10-12 छोटी छोटी लाल मिर्चा दिए हैं। इसको चाहे तो आप पहले 10 मिनट पहले पानी में भिगो दें, ना भिगोएंगे तो भी डायरेक्ट भी आप मोमो की चटनी बना सकते हैं। एक टुकड़ा अदरक का है, 2 कलियाँ लहसुन का है। चटनी को हम पीस देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें हम कैसे बनाते हैं फाइनली मोमो की चटनी। जिस कढ़ाई में हम फिलिंग बनाए थे उसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं, रिफाइंड ऑयल। तो चटनी हम पीस दिए हैं, अब डाल देते हैं और इसमें हम थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे। इसी में थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, जो मसाला बचा हुआ था उसमें। इसे हमें बढ़िया से 4-5 मिनट पकाना है कि बढ़िया से खोल जाए, तब हमारी चटनी फाइनल होगा। चटनी में हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और यहीं पे 1 मैगी मसाला डाल देंगे। अब चटनी हमारी खोल ही रही है, इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे और हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। तो देखिए हमारी मोमो की चटनी बनके तैयार हो गई है। मोमोस को हम भाफने के लिए, पकाने के लिए एक भगोना लिए हैं, पतीला, और इसको हम पोत लेते हैं। तो पतीले को रख देते हैं, इसमें पानी हम डाल दिए हैं, पानी को गर्म, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम मोमो भर देते हैं क्योंकि हमारा फिलिंग भी ठंडा हो गया है। तो ये देखिए हमें मैदा गूंदे 15-20 मिनट हो गया है और देखिए मैदा ये बढ़िया सा सेट भी हो गया है। तो इसको एक बार और हम गूंदेंगे इस तरह से। अब इसको हम इसमें से निकाल देंगे या आप इसी पर रख के और इसका पेंदा काट दें। इस तरह से हम पेंदा काट देंगे, तो हम इसमें पेंदा काट देते हैं, देखते हैं कितना पेंदा होता है। 1, 2, 3,
चार पाँच छः आठ पेंदा हुआ है। अब इसको एक पेंदा को हम निकाल देंगे, बाकी पेंदा को ढक देंगे। एक जोड़ी दे दिए हैं और इसको हाथों से हम इस तरह से करके गोल कर देंगे, इस तरह से ऐसे। और गोल करने के बाद हम इसमें मैदा में लगा देंगे, ये मैदा हमने ये रखा है, और इसको ऐसे दबाएंगे और इसका हम रोटी बनाएंगे। पतला से पतला रोटी कोशिश करें कि बने, कोशिश करें कि पतली बने, अगर मोटी बनेगी तो थोड़ा उसका भी जुगाड़ है, वो भी आपको हम बताएंगे अभी नेक्स्ट। तो देखिए हम इतना बड़ा रोटी इसका बेल दिए हैं। अब हम एक गिलास का साइज देंगे, जितना भी आप बड़ा आपको साइज रखना उससे छोटा गिलास का साइज दें। तो यहाँ पे देखिए हम गिलास का साइज दे दिए हैं, काट देते हैं, एक दो तीन और ये लगभग चार हो गया, ये चार हमारा हो गया मोमोस। तो इसको हम ऐसे एक जगह निकाल कर रखते जाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम सारा पहले बेल देंगे। जो वेस्ट है इसको भी हम इसी में रख देंगे कटोरे में, और दूसरा पेंदा हम उठा देंगे। दूसरा पेंदा को भी हम इसी तरह पहले गोल करेंगे इस तरह से, और फिर इसको बर्तन में लगाएंगे, और फिर हाथों से थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसको उसी की तरह हम रोटी बेलेंगे जैसे हमने पहले बेला था। एक दो तीन और ये चार, इस तरह से। थोड़ा सा अगर कहीं से कट भी हो जाता तो कोई बात नहीं है, अभी आपको और बेलना है। तो इसको हम इसी तरह हम बेलेंगे, इस तरह तो हम पेंदा इतना बेल दिए हैं। अब इसको, ये बहुत मोटा है, इसको हम अब पतला करेंगे, इससे आसानी से पतला हो जाता है, इसी वजह से हम छोटा गिलास दिए थे ताकि हमें आसानी से पतला हो जाए। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, एकदम पतली हो चुकी है ये। तो अब हम फिलिंग भरेंगे इसमें, अब हम बेल दिए हैं, अब इसमें डालेंगे फिलिंग। तो एक चम्मच हम फिलिंग देंगे, पहले आप कम फिलिंग डालें और फिर बाद में आपको लगे कि फिलिंग कम हो रहा है तो बढ़ा दें। अब यहाँ पे हम इसको, ये देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे इस तरह से, और इसको दबाते जाएंगे, फिर इसको दबाते जाएंगे, और फिलिंग को दबाते रहेंगे। देखिए एक पे एक लेयर चिपकाते जाना है, ऐसे दबाते जाएंगे, इस तरह से दबाते जाएंगे, देख सकते हैं आप, चारों तरफ से दबा देंगे। और इसको एक बार हम ऐसे घुमा देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम दबा के, और फिर एक प्लेट पर हम रखते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोबारा हम बेल देंगे एकदम पतला। आप देख सकते हैं कितना हम इस पेंदे को हम कितना बढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम दूसरे तरीका से बता रहे हैं आपको पनीर मोमोस बनाना। वैसे तो पनीर मोमोस इसी तरह से बनता है, लेकिन हम जो पुराना स्टाइल है वेज मोमोस का वही बताए हैं आपको। अब तो एक नया तरीका भी बता देते हैं आपको, जिस हिसाब से पनीर मोमोस बनता है। एक चम्मच हम फिलिंग दिए हैं, अब फिलिंग को हम उंगलियों से एक जगह कर देते हैं इकट्ठा। ये देखिए ये दोनों किनारों को हम चिपका दिए हैं पहले, इसके बाद हम इसको लेयर बना रहे हैं, एक पे एक हम लेयर चिपकाते जा रहे हैं दूसरे लेयर के साथ। ये देखिए इधर हम मुड़ मुड़ के लेयर बना रहे हैं, उधर जो हमारा सिंगल लेयर है उस पर हम मुड़ मुड़ के चिपकाते जा रहे हैं। और देखिए हमारा ये पनीर मोमोस बन के तैयार हो गया है। इस तरह भी आप पनीर मोमोस बना सकते हैं। ये देखिए हम जो पतीले में पानी बैठा रखे हैं वो खोल रहा है, अब इसी में रखेंगे स्टेनर को, और स्टेनर को हम ग्रीस कर देंगे इस तरह से। ग्रीस करने से फ़ायदा होता है कि हमारा मोमो इसमें चिपकता नहीं है। अब हम मोमोस बना दिए हैं, अब स्टेनर में रखते जाएंगे, थोड़ा दूर दूर रखेंगे ताकि ये चिपके नहीं आपस में, इस तरह से।
ये 10 मिनट का करीब हो गया है और देखिए हमारा मोमो बन के तैयार हो गया है। इसको हम निकाल देते हैं बाहर कपड़ा से पकड़ के और ये रख देंगे नीचे, बहुत गर्म है। तो देखिए हम बहुत सारे सेप बनाए हैं, बस आपको ध्यान रखना है कोई भी सेप आप बनाएं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें पानी अंदर ना घुसे, खुला ना हो, बस बढ़िया से चिपक जाए। तो इसी तरह सारा हम मोमो को स्टेन कर देंगे, भाप देंगे, फ्राई करके आपको दिखा देते हैं और जो बन रहा है उसको स्टीम करके दिखा देंगे। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया है, तो इसको हम निकाल देते हैं और इसी तरह फ्राई करके खाने में बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह हम दूसरा टर्न भी फ्राई कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा स्टीम मोमोस भी तैयार हो गया है, फ्राइड मोमोस भी तैयार हो गया है और इधर हमारी मोमो की चटनी भी तैयार हो गई है। तब दोस्तों ये हमारी अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आसान रेसिपी सिर्फ लाला जी का ढाबा पर मिलता है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, हमारा आईडी है लाला जी का ढाबा, और अपने परिवार के साथ ज़रूर बना के खाइएगा। आप अपने हिसाब से इसमें फिलिंग में जो कुछ डालना चाहे डाल सकते हैं। और हमें कौन कौन सी रेसिपी बनानी है आप लोगों के लिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आप कमेंट करते हैं जिस रेसिपी के लिए, उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी बनाएं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। मस्त बना हुआ है और फीलिंग से एकदम भरपूर है। ओए होए होए। और इसको आपको डीप करके सबसे पहले आपको खिलाते हैं, ये देखिए। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा बना है। बहुत बढ़िया, सुपर। अब एक स्टीम मोमोस आपको दिखाते हैं तोड़ के, ये देख सकते हैं पूरा फुल फिलिंग है एकदम। स्टीम मोमोस भी बहुत मज़ा आता है खाने में। तो दोस्तों हमने तो दोनों मोमोस बना दिया, और आप कब बना रहे हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।